वॉकवे में क्या जा रहे हैं देखने के लिए पता है? स्पाइडरमैन। हेलो पीटर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अचानक से दीपक यार मतलब अपने घर में कैसे आ गया ना। तो यार ऐसा सीन है कि यार मैं अलीगढ़ गया था, तो अलीगढ़ से मैं क्या है कि आज सुबह ही मतलब हल्द्वानी के लिए आ रखा हूँ। कल रात की मेरी बस थी, तो कल रात को मैं बैठ गया था बस में, तो क्या हुआ कि मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था पर यार वो उतना व्लॉग लंबा बन नहीं पाया। मतलब अराउंड 3-4 मिनट का व्लॉग था, तो 3-4 मिनट का व्लॉग क्या ही मैं डालता। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो कोई नहीं, अपना घर आते हैं आराम से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं बस में आराम से सोते सोते आया, आज सुबह मैं मतलब हल्द्वानी पहुंच रखा हूँ सुबह के 5:30 बजे। तो यार अभी का तो मेरा प्लान कुछ ऐसा बन रहा है कि यार हम लोग जाने वाले हैं, हम लोग मतलब मेरा एक और फ्रेंड है, तो हम लोग जाने वाले हैं आज वॉकवे को। वॉकवे में क्या जा रहे हैं देखने के लिए पता है? स्पाइडरमैन। क्योंकि अभी तक मैंने स्पाइडरमैन नहीं देख रखी है, सारे पार्ट देखे मैंने स्पाइडरमैन के, पर अभी जो नया वाला पार्ट है वो मैंने नहीं देख रखा। वैसे तो मैं सोचा था कि अलीगढ़ में देख लूँ, पर क्या था कि दिक्कत ये थी कि मुझे कोई साथ का नहीं मिल रहा था अपने साथ देखने के लिए। मतलब मेरे को अकेले जाके क्या करता ना यार। तो यार यहाँ जैसे ही आया सुबह बुक करा दिया टिकट 3D में, वो भी 1 बजे का शो है। तो यार अभी खाली हमारे पास खाली 40 मिनट बचे हैं, तो यार जल्दी से हमको घर से निकलना होगा, हमें दोस्त को बोलना होगा कि चल आ जा। पर यार गाड़ी मैंने फिलहाल बाहर रख दी है, तो फिलहाल बिना देरी करे निकलते हैं घर से। और यार इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार मेरे पास मेरा GoPro नहीं है। मुझे अभी भी याद आया कि मैंने सोचा क्या मोटो व्लॉग होगा, मोटो व्लॉग नहीं होगा। हाँ पर यह है कि मैंने अभी कॉल करा था आज सुबह, तो वो कह रहे थे कि हाँ वो कल परसों मैं हमने भेज दिया है सही होने के लिए, तो हम मुझे एट्रॉक्स 20-25 दिन में मिल जाएगा मेरा GoPro, मिल जाए यही चाहता हूँ यार। तो यार फिलहाल बिना देरी करे निकलते हैं घर से और बुलाते हैं दोस्त को और चलते हैं सीधे वॉकवे की तरफ। तो यार हेलमेट रख लेते हैं और बैग, और इसका तो कुछ काम है नहीं, अब तो खाली फोन से कर लेता हूँ मैं व्लॉग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको खाली मतलब ये है कि अगर जैसे मुझे कहीं पर टाइम लैप्स मतलब लेना है कुछ चीज़ का, तो तब ये बहुत मतलब काम की चीज़ है, वरना तो ऐसे तो मैं मतलब हैंड से काफ़ी सही हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि हैंड से मैं कर ले रहा हूँ आसानी से व्लॉग को। इस हेलमेट को लिटरली इतने दिनों बाद पहन रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। देखना अभी चलो 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 चलो, ये इतना खुश हो गया था मैं सुबह आया जब, आज बहुत ही खुश हो गया यार ये। तो फिलहाल मैं बाहर निकल चुका हूँ, गाड़ी मेरी ये रही और गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है, मैं तो गाड़ी को धुलवाने की सोच रहा हूँ, शाम को शायद धुलवा दूंगा गाड़ी में। तो अभी फिलहाल घर से निकलते हैं, कॉल कर दिया मैंने अपने दोस्त को, तो वो अपनी कॉलोनी के बाहर पे आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा। पर यार मैंने उससे हेलमेट नहीं मंगाया, अब ये गलती ना हो जाए कि वो हेलमेट ना लाए यार। फिलहाल चलो हम तो निकलते हैं, हेलमेट नहीं लाएगा तो धीरज कहाँ से ले लेंगे उसे। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमारी रोड बन रही है ना, जब मैं यहाँ से निकल रहा था अलीगढ़ के लिए, मतलब 9 दिन हो गए, 9 दिन से अभी तक का रोड ही नहीं बनी हमारे यहाँ की। देखो यार कोई नहीं, मोदी जी बना देंगे, बहुत सारा पैसा है मोदी जी पे। फिर अभी अभी मैं इसको लेने के लिए आ रखा हूँ यहाँ पे, और ये खुद हेलमेट नहीं ला रखा और धीरज क्या आ रखा, मैंने बोला था ना धीरज क्या आना पड़ेगा, धीरज का नाम आज से हेलमेट भाई है, हेलमेट भाई। अब लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं, 31 की प्लानिंग चल रही है सबकी। क्यों राहुल भाई क्या 10 के होने वाले, कुछ 10 के होने वाले भाई, 10 के की पार्टी मिलेगी। कोई स्पाइडरमैन देखने आ रहा, स्पाइडरमैन 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 तूने चुराया मेरे दिल का चैन, तेरी वजह से हर जगह लेट होता है। अभी अभी मैंने ना टाइम चेक करा है, खाली 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट में हम मौके पहुँच के अंदर जाके बैठना है, और 15 मिनट बाद मूवी स्टार्ट हो जाएगी। सब कुछ इसी वजह से हेलमेट पहन के क्या है, हेलमेट पहन देने के लिए हमको धीरज का जाना पड़ा, इसको मैंने बोला था हेलमेट लेकर आना। तो यार 15 मिनट में हम लोग पहुँच चुके मौके में, वहाँ अपना श्रृंगार रच रहा हो देखो। तो यार अभी फिलहाल हम अंदर पहुंच चुके हैं, मतलब अंदर तो वीडियो शूट होगी नहीं, तो लास्ट व्लॉग यहीं पर ही दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत क्लिप्स दिखा देंगे अंदर की, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। तो ये तो हमने ऑनलाइन टिकट बुक करी, तो ऑनलाइन दिखा दी हमने। भाई हम तो कुछ खाने के लिए भी नहीं लाए, हम तो कुछ खाने के लिए भी नहीं, यहाँ से लेना पड़ेगा हमको। ठीक है कि लंदन पर हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन्स डिजाइन किए थे स्टार्क इंडस्ट्रीज ने। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। कैसी रही मूवी, मजा आ गया? मूवी तो खत्म हो चुकी है यार, मजा आ गया लिटरली में, बहुत ऑसम रही। तो मूवी तो काफी ज्यादा बढ़िया लगी, मजा आ गया, क्योंकि मैंने स्पाइडरमैन के सारे पार्ट्स देखे ना,
तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छी लगी मूवी। और मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई नया जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगी, तुम जाओ मज़े करो, स्पाइडरमैन वाली मूवी बहुत ज़्यादा मस्त है। और जो मेरा दोस्त अभी वापस ऊपर को गया अपने हेलमेट लेने के लिए, रोज़ की तरह उसके हेलमेट को भूलने का काम है। ये देखो आगे हेलमेट भूल गया था वहीं जहाँ बैठे थे। तो यार फिलहाल अभी हम लोग वॉक पे से तो बाहर निकल चुके हैं और अभी हमारा प्लान बन रहा है सीधे घर जाने का। घर जाने की कुछ खाने चलने खाने चलते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रहा था। एक तो मम्मी यहाँ हल्द्वानी में है नहीं, मम्मी अलीगढ़ में ही है, पापा तो घर, पापा होटल में गए हैं। और वैसे भी आज है 31st, तो भाई प्लान तो बनते हैं 31st का, देखते क्या प्लान बनेगा। फिलहाल अभी चलते हैं सीधे घर को। यार अभी अभी जस्ट हम रास्ते से चल रहे थे, वो सेलेस कैप पहन के आया था ना, इससे हाथ में पकड़ी भी नहीं जा रही कैप, इसने रोड में गिरा दी कैप। फिर बाद में आगे मतलब इतनी देर बाद पता लग रहा, बोला तू भाई कैप कहाँ मेरी, फिर कैप लाने के लिए गया है। अबे एक चीज तो संभाल लिया कर, कभी हेलमेट खो रहा है, कभी हवा मैंने लगाई क्या, कभी हेलमेट खो दिया इसने, वहाँ वॉकरूम में हेलमेट खो दिया इसने, अभी यहाँ पे इसने टोपी खो दी। तो यार फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, रास्ते पर हमने कुछ नहीं खाया था तो हमने सोचा कि चलो ब्लॉक में आगे खाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों से नहीं खा रहा था मैंने। पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा बनाओ, बन जाएगा पिज्जा, बनाओ यार पिज्जा बनाओ। तो फिलहाल पिज्जा आ चुका है यहाँ पे। सुबह से तो मैंने कुछ नहीं खा रखा था लिटरली, क्योंकि मम्मी तो थी नहीं यहाँ पे, पापा ने बोला था कुछ बना के खा लेना मैगी वैगी, पर मैगी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो अभी खा रहा हूँ मैं। और यार अभी टाइम हो रहा है 5:04, अभी खाना हो रहा है मेरा 5:04, इसको खाते हैं जल्दी से, इसने ही मंगा रखा अपने लिए अलग से, तो जल्दी से खा के चलते हैं सीधे घर को और रात का प्लान देखते हैं कुछ होगा रात का प्लान। तो यार फिलहाल अभी यहाँ से हमने पिज्जा खा लिया है, ये तो अभी खाने में लगा, कितना बचा जरा लास्ट चीज है इसका भी। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलने का प्लान है, देखते अभी कहाँ को जाएंगे। और रात का तो सीन मुझे अभी कुछ नहीं पता, रात का तो सचिन से पूछूंगा, क्योंकि अकेले तो हम क्या करेंगे ना, थोड़े बहुत और लोग जोड़ लेते हैं, एक सचिन तो आ ही जाएगा मुझे पता है, एक ये आ जाएगा, 3 जने हो गए, बाकी के देखते कौन अगर आ सकता है और कहीं जाएंगे या तो देखते क्या होता है। यार मुझे तो कुछ नहीं पता, पिछली बार तो 31st में ऐसा था कि हम सब मतलब कुछ लोग थे, हम सब ने आपस में पैसे मिला के चिकन बनाया था, पर अभी इस साल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा शायद से, तो देखते हैं अभी क्या होता है। चल यार जल्दी खड़े यार चल रहे हैं यार, आज तो लिटरली ऐसा लग ही नहीं रहा कि 31st है, मतलब पिछले साल तो लगता था कि चलो आज 31st है, आज ऐसा होगा वैसा होगा, आज तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि 31st है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग कॉलोनी के यहाँ पे जा रहे हैं, मैंने सचिन को बुला रखा, हम लोग थोड़ा बहुत घूमेंगे यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके, तो सचिन को मैंने बोल दिया तो निकल जा घर से, सचिन आ जाएगा अभी थोड़ी देर में वहीं। सर कैसे, फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ घर पे और अभी बज रहे हैं 8:00। तो यार अभी का प्लान ऐसा है ना कुछ, यार 31st तो सेलिब्रेट करना ही है, आज 31st है, पर सीन कुछ ऐसा है कि यार हमारे जो साथ के जो मतलब दोस्त लोग थे, जो भी मतलब मेरे जितने भी दोस्त थे ना, तो हम लोग तो यार आज यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों का मन कर रहा आने का, कुछ लोग बोले कि रहन देते हैं ये वो। अब यार 31st में सेलिब्रेट ना हो यार, ऐसा हो सकता है यार, मुझे मतलब बहुत बुरा लग रहा है अंदर से, मुझे ही नहीं मतलब, और भी 2-3 लोग हैं जिनको बहुत बुरा लग रहा है, अब हम 2-3 जने तो आपस में बना नहीं पाएंगे ना 31st। तो यार मैं क्या सोच रहा हूँ फिर, यार मेरा जो स्कूल का जो फ्रेंड है भानु चौहान और उसका भाई जो राज चौहान, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में भी बहुत पहले आए होंगे वो, तो यार उनके घर में प्रोग्राम है आज, तो मैंने राज को भी फ़ोन किया था, तो बोला था कि हाँ हमारे वहाँ आ जा, हमारे यहाँ प्रोग्राम चल ही रहा है, डांस वांस करेंगे वहीं रहेंगे आज। तो मैंने पापा से पूछ लिया फोन करके कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो पापा तो ऐसा कह रहे हैं कि देख तुझे मन कर रहा है अच्छा ब्लॉक करके आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो पापा ने तो मुझे हाथ से परमिशन दे दी है। तो फिलहाल अभी मैं गाड़ी निकालता हूँ और सीधे मिलता हूँ आपके राज के घर में, और यार राज के घर में मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल अभी घर से निकलते हैं और सीधे चलते हैं। तो जाने से पहले थोड़ा बहुत ट्रैफिक को घुमा लेते हैं यार, ये बेचारे को बहुत टॉयलेट लग रही है। इधर आ, यहाँ नहीं, यहाँ पे आ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, आगे पे, आगे, चल आ जा, आ जा जरा, कहाँ जा रही है, अभी यार गोल गोल घूम जाता है, तो यार इसको बांधते अंदर ही और चलते हैं फिर सीधे। तो यार फिलहाल यार अभी मैं आ चुका हूँ भानु के यहाँ पे, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे गेम चल रहे हैं और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत डांस होगा और फिर देखते हैं कितनी देर तक रहते हैं। मेरे तो थोड़ा बहुत सर में दर्द अभी से होने लग गया है। यार इतनी देर के बाद अब जाके गाना बंद हुआ है। भानु सर में दर्द हो गया ना बहुत ज़्यादा, सर में दर्द हो गया, इतना ज़्यादा सर में दर्द हो गया, मैं तो डांस भी नहीं कर रहा था, ज़्यादा सर में दर्द हो गया, पता नहीं कैसा 31st यार, आज 31st में सर में दर्द होना था। मैं तो गाने बजा रहा हूँ बस, और मैं गाने सुन रहा हूँ। क्या नाम लिया क्या नाम लिया उन्होंने, क्या अतरंगी, ये कौन सी पिक्चर है। फिलहाल यार यहाँ से तो अब जा रहा हूँ मैं घर को, क्योंकि पापा आ चुके हैं, पापा बोल रहे थे ना 5 मिनट में निकल जाना यहाँ से, तो फिलहाल यार मज़ा आ गया, यहाँ डांस तो नहीं करा क्योंकि सर में दर्द हो रहा था, पर यार लिटरली भानु
मजा आ गया, मजा। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि 31st मतलब बन पाएगा। मैं तो ये सोचा था कि मतलब घर में ही रहेंगे। अच्छा हुआ कि इसने भाई ने बता दिया कि यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा, आ गया, मजा आया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। तो अब अगला साल है, चलो नए साल की बधाई आपको, आपको भी। 12 बजे तक रुकने का प्लान था पर 12 बजे तक नहीं रुक रहे हैं, तो चलो फिर फिलहाल सीधे घर चलते हैं। पापा आ ही गए होंगे, पापा इंतजार कर रहे होंगे, खाली लेट हो जाएगी, पापा डांटेंगे मैं, चलो फिर। सर गाइस सर फिलहाल मैं तो अभी पापा के साथ आ चुका हूँ घर पे और इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना यार अभी, मतलब 31st आज का मज़ा आ गया, पर अभी फिलहाल थोड़ी बहुत सर में दर्द हो रही है मेरे। मैं तो चल रहा हूँ अभी सीधे सोने के लिए और हम इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और यार नए साल के मतलब खुशी में मतलब एक चीज़ करने जा रहा हूँ मैं जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर वापस से, बाय।